भूकंप के झटकों से चीन, नेपाल और भारत सहम गया है। नेपाल में देर रात 6.6 तीव्रता का भूकंप आया। रात 2:12 पर अचानक धरती डोलने लगी। उस समय तो किसी को कुछ पता नहीं चला। सुबह जब अंधेरा छटा तो पता चला कि दर्जनों घर तबाह हो गए हैं। अभी तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बचाव और राहत कार्य के लिए सेना को लगाया गया है। भूकंप का केंद्र नेपाल के अछम में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे मिला। इसकी तीव्रता 6.3 थी। ऐसे में सबसे ज्यादा तबाही की खबरें नेपाल से ही सामने आ रही हैं। यहाँ के दोती में एक घर गिरने से 6 लोगों की जान चली गई है। वहीं अन्य घटनाओं में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से नेपाल में भूकंप के झटके कई बार देखने को मिले। नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से कम तीव्रता के भूकंप आ रहे थे। यहाँ 8 नवंबर को 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। ये भूकंप भारत, चीन और नेपाल यानी 3 देशों में महसूस किए गए। भारत में मंगलवार देर रात 1:57 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेपाल सीमा से सटे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के पास सबसे तेज 6.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। लखनऊ और दिल्ली में करीब 5.7 तीव्रता के भूकंप के झटके लगे। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड में आज सुबह भी 4.3 तीव्रता का भूकंप का झटका आया। दिल्ली में भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए। लखनऊ के लोगों के बेड हिलने लगे तो भूकंप जैसी स्थिति का एहसास हुआ। इसके बाद दहशत जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तेज झटकों के कारण पंखे तक हिल रहे थे। कुछ रुककर 2 बार झटके लगने से नींद में सोए लोग भी जाग गए। लोग घरों से बाहर निकल कर आए, बुरी तरह घबराए। लोगों में से कुछ ने अपने घरों और दीवारों को चेक करना शुरू कर दिया। कुछ देर में भूकंप की सूचना एक दूसरे को बताने और इसे कंफर्म करने के लिए लोगों के फोन घनघनाते रहे। हालांकि राहत की बात यह है कि इन जगहों से किसी तरह की दुर्घटना की खबर नहीं आई है। NCR में भले ही बड़ी आपदा टल गई है, लेकिन दिल्ली के कई इलाके संवेदनशील हैं। आशंका है कि यहां कभी 7.3 तीव्रता का भूकंप कभी भी आ सकता है। बता दें कि देश को भूकंप के लिहाज से 4 सिस्मिक जोन में बांटा गया है। इसे जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों के लिहाज से जोन 5 में आने वाले क्षेत्र भूकंप के लिहाज से सबसे संवेदनशील हैं। वहीं दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र जोन 4 में शामिल हैं। इनमें दिल्ली के अलावा UP और हरियाणा के इलाके भी आते हैं। दिल्ली के साथ NCR में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर घर फ्लैट तेज गति से भूकंप को झेलने लायक नहीं हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली की 70-80% इमारतें भूकंप का औसत से बड़ा झटका झेलने के लिहाज से नहीं बनी हैं। वहीं अतिक्रमण कर बनाई गई इमारतों की स्थिति और भी बदतर है। पूर्वी दिल्ली में बनी पुरानी इमारतें अधिक तीव्रता का भूकंप नहीं झेल सकती हैं। यहाँ की सकरी गलियों में बड़े भूकंप की स्थिति में मदद तक नहीं पहुँच सकती है। यदि दिल्ली में नेपाल जैसा भूकंप आता है तो यहाँ मौतों का आंकड़ा लाखों में हो सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।